लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। नियमितकरण की मांग को लेकर पिछले 50 दिनों से शाहजनी पार्क में धरना दे रहे प्रदेश भर के अतिथि विद्वान का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अतिथि विद्वान नियमितकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंसूर अली के अनुसार सरकार में अतिथि विद्वानों का समर्थ बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अतिथि विद्वानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने चाचौड़ा के कांग्रेस विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह तथा भिंड के मेहगांव से विधायक ओपीएस भदौरिया और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोधे सिंह यादव शुक्रवार दोपहर शाहजहानी पार्क पहुंचे। लक्ष्मण सिंह ने अतिथि विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द वह राज्यपाल व मुख्यमंत्री से अतिथि विद्वानों को मिलने का समय दिलवाएंगे व प्रमुखता से अतिथि विद्वानों में नियमितीकरण का मुद्दा सरकार के समक्ष रखेंगे। वहीं विधायक ओपीएस भदौरिया ने कहा कि अतिथि विद्वानों की मांगे न्याय संगत है। यदि मैं उच्च शिक्षा मंत्री होता तो पहली फाइल जिस पर मैं हस्ताक्षर करता वह अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को होती। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरी सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार के एक वर्ष के शासन के दौरान प्रदेश में नौकरशाही बेहद हावी दिख रही है। सरकार पर नौकरशाही के असर का आलम यह है कि जनहित के कई लोकप्रिय मुद्दे इस समय पीछे रहते जा रहे हैं। वह जितनी लोकप्रियता सरकार को इस दौरान हासिल करनी चाहिए थी सरकार उससे कई मायनों में पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। ये दुर्भाग्य है, जो वायदा किया था सरकार को पूरा करना चाहिए जी। ये और बड़ा दुर्भाग्य है कि भूखे प्यासे 40 दिन से बैठे हैं, अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। कोई जनप्रतिनिधि आए और भाषण दे के चले गए, दो बार माननीय मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई। कमलनाथ जी तो बड़े महान आदमी हैं, सारे देश की राजनीति करते हैं, अगर आईएएस उनसे नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? अगर उनका डंडा चल जाए तो कल इनका काम हो जाए, लेकिन डंडे में कहीं कमजोरी तभी तो ये लोग बैठे हैं। अगर आईएएस अभी अगर रोकेगी तो प्रदेश चलेगा कैसे? जनता किस लिए चुनती है हमारे लिए? इसलिए मैं तो माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी इनके जनप्रतिनिधि को बुलाकर बात करके इनका निराकरण करें और इनको जो अधिकार है पूरा मिलना काम करें, यही मेरी सोच। बैठे मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने दिन हो गए और एक बताया मुझे, एक महिला की मृत्यु भी हो गई है और एक का गर्भपात भी हो गया है और टेंट में आग वाग भी लग गई थी और काफ़ी गंभीर स्थिति है और इसको समाप्त करना चाहिए जल्दी। सर सरकार आपकी फिर भी इनकी सुनवाई नहीं, इसमें क्या है कि देखिए सरकार कहती है पैसा नहीं, और पैसा नहीं भी होगा लेकिन पैसा नहीं है तो उसका तो साधन जुटाना भी सरकार का काम है। और इसमें शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवर्तन अगर होता है तो ये समस्या हल हो जाएगी। तो ये अपना वेतन मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं। आपने राज्यपाल से मिलने की इनको सलाह दी है? मैंने तो सलाह दी है, अब ये संगठन के ऊपर ही क्या फैसला। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।